स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंग्वेज एंड ग्रामर। आज की क्लास में हम ग्रामर और व्याकरण के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का स्टार्टिंग लेवल होता है। इससे पहले वाले में मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे, वो थोड़ा इजी टॉपिक था तो इसमें बीच में ले लिया मैंने। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीज़ को देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एंड ग्रामर में लैंग्वेज क्या होती है। आई नो यू आर नो इट अबाउट, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। पहले आपने पढ़ा भी हुआ तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो भाषा क्या होती है? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाषा जो है वो क्या होती है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, वो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। देखना, लैंग्वेज की परिभाषा, बात क्लियर होगी, लैंग्वेज की परिभाषा इधर लिखी। तो लैंग्वेज क्या होती है? जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और भाषा जो है वो लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से भाषा बनती है। एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ का बनने का, एक निश्चित क्रिया होती है, एक निश्चित प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिससे गुजर करके कोई चीज़ बनती है। जैसे मान लो पेन से हमें काम करवाना है, ये मार्कर हमारे पास है, यदि मैं इसमें इंक डालूंगा तो ये काम करेगा, इंक ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंक डालनी पड़ेगी। अब पेन बनाने से पहले आप पेन भी बना, फिर इसके काम आने वाले इंक भी बनी, फिर ये प्रॉपरली काम कर रहा है। किताब होती है, उसमें लेटर्स लिखे हुए होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, लैंग्वेज लिखी होती है, फिर उस बुक्स को हम पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उनको हल करते हैं, एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो भाषा का भी एक तरीका है, कुछ नियम्स बने हुए हैं, उन नियम्स को फॉलो करना होता है, फिर जा करके तो हम जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। भाषा किससे मिलकर बनती है? लेटर्स से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से भाषा बनती है। लेटर से वर्ड, लेटर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्दों से वाक्य, और वाक्य से भाषा बनती है। तो मैं ये कहूँ हम जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, और भाषा शब्दों, अक्षरों से मिलकर बनती है। अक्षर से शब्द बनेगा, शब्दों से वाक्य बनेंगे, और वाक्यों से भाषा बनती है। इस प्रकार से अब यदि हमारे पास कोई लैंग्वेज आ गई, कोई भाषा आ गई, तो हम उसको कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे उसको सीखते हैं, कैसे उसको फ्लो में लाते हैं, कैसे उसको काम में लेते हैं? तो उसके लिए हमें एक ग्रामर की आवश्यकता होती है। ग्रामर जो है वो एक नियमों का सेट होता है, पुलिंदा होता है, जो हमें किसी भाषा को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखने में हमारी मदद करती है, हमें बताती है कि कौन से नियम कहाँ किस तरीके से अप्लाई करते हुए आपको आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करें तो व्याकरण, व्याकरण वह कला है, ग्रामर वह कला है, वह विद्या है जो हमें शुद्ध किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाती है। यानी ग्रामर या व्याकरण वह कला है, वह विद्या है, वह तरीका है, वह माध्यम है जो हमें किसी भाषा को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिंदी को ही सिखाएगी, अंग्रेजी को ही सिखाएगी, संस्कृत को सिखाएगी, किसी भी प्रकार की भाषा हो, सबकी अपनी एक ग्रामर होती है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, यानी हम पहली बात उस चीज़ को बोल सकते, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, शुद्ध लिख पढ़ना, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ करके हम समझ सके कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसके भाव क्या है, इसके विचार क्या है, और ये क्या कहना चाह रहा है। फिर लिखना, और हमें भी लिखना आना चाहिए जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ करके और बात कर सके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ें जो है उसको करना चाहिए, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाती है। किसी भी भाषा के व्याकरण को, अब हम जब ग्रामर इतनी महत्वपूर्ण होती है तो ग्रामर में क्या पढ़ते हो, किसी भी भाषा की व्याकरण को सीखने के लिए सबसे पहले उनके वर्णों, लेटर्स, शब्दों, वर्ड्स और वाक्यों, सेंटेंसेज की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यानी उस भाषा में वर्ण या अक्षर कितने हैं, कैसे हैं,
लिखने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, उनके यूज करने का तरीका क्या है, उपयोग में लेने का तरीका क्या है। तो देखो, किसी भी भाषा की व्याकरण को सीखने के लिए सबसे पहले उनके लेटर्स को, शब्दों को और सेंटेंसेस की जानकारी होना आवश्यक होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि ग्रामर के तीन भेद, यानी ग्रामर के ये तीन मेजर पॉइंट, मुख्य बातें जिससे कि किसी भाषा का निर्माण हो सकता है, जिससे कि हम किसी भाषा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जिससे कि हम किसी भाषा को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, तो उनके लिए हमें इन तीन चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन या बहुत ही गहराई की इन्फॉर्मेशन जो होती है, सूचना जो होती है, जानकारी जो होती है, वो होना आवश्यक होता है। जैसे ग्रामर के तीन भेद में लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ड, क्या कहते हैं, वर्ड। वर्ड को कहते हैं शब्द और सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य। इन तीनों की जानकारी। अब सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखो, लेटर या वर्ड भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्म या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लेटर जो है वो कैसी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी वो वर्ण जो होता है भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी होती है, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। यानी भाषा में यदि कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो होता है लेटर, वर्ण। हम जिस कुछ भी बोलते हैं तो हमारे अंदर से जो हमारे जो लंग्स है उससे जो एयर ब्रीथ, एयर सिस्टम आती है, हवा आती है बोलने के लिए, वो जब निकलती है वो कितने प्रेशर से निकलती है, कितने दबाव से निकलती है, उसके हिसाब से आप हिंदी में पढ़ा होगा अल्प प्राण, दीर्घ प्राण, ऐसे शब्द आते हैं कि किस शब्द को बोलने में प्रेशर ज़्यादा लगता है, किसको बोलने में कम लगता है, किसी को बोलने में लिप्स ऊपर नीचे होते हैं, किसी को बोलने में अपनी टंग, जीभ जो होती है वो तालू के टच होती है, किसी में दंत के टच होती है, किसी में ऊपर जाती है। कभी भी आप बोलने का अभ्यास करना तो ये चीज़ें आपकी क्लियरली आपको पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। अब देखना, लेटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में लेटर्स का आशय वर्ण या अक्षर से होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और हिंदी में कहूँ तो कि वर्ण जो है भाषा की सबसे सूक्ष्म या सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो होती है। अब हिंदी में इंग्लिश अल्फाबेट में या वर्णमाला में 26 लेटर्स या वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में देखो 44 या कई बार 48 भी होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। 44 तो ये होते हैं, जैसे क्षेत्र ये और री जो होता है, क्षेत्र और गे और री वगैरह, इनको हम हटा देते हैं तब तो ये कितने बन जाते हैं, 44 बन जाते हैं। वर्ण क्या हो जाता है, 48 हो जाते हैं। ये जो तीन शब्द मैंने अभी जो बताए हैं वो अकेले नहीं है, वो किसी न किसी शब्द से मिल करके बने हुए हैं। अब अपने यहाँ 26 लेटर्स या वर्ण होते हैं, इनको बांटने के हमारे पास दो तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो क्या होगा कि अक्षरों को लिखने के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी राइटिंग स्टाइल, लिखने के आधार पर। पहला होगा ही इज, जैसे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर को वैसे कैपिटल लेटर ही बोले तो बेटर रहेगा, लेकिन समझने के लिए लिख देता हूँ बड़े अक्षर, अरे बड़ी वाली ए बी सी डी, छोटी वाली ए बी सी डी, ऐसे हम कुछ बोलते हैं, तो कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर। इनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के प्रारंभ में होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, प्रत्येक वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे कैपिटल लेटर ही इज माय फादर, तो डब पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल। सी इज इन द रूम, तो इसका पहला अक्षर, इस वर्ड का सी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एस जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। इधर ही जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ, बाकी सारे स्मॉल लिखे हुए, तो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर। इनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के प्रारंभ में होता है। जब वाक्य बिगनिंग होता है, जब वाक्य स्टार्ट होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग
करते हैं। फिर स्मॉल लेटर छोटे अक्षर, इनका प्रयोग वाक्य के बीच में शब्द के अक्षरों के लिए होता है। कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके इसका प्रयोग वाक्य के बीच में, यानी कोई सेंटेंस आ रहा है उसके मिड में, उसके बीच में शब्द के जो अक्षर होते हैं, जो शब्द लिखा होता है उसके जो अक्षर होते हैं उसके लिए। जैसे मान लीजिए वाक्य स्टार्ट हो रहा है राम इज बोल, तो राम तो फर्स्ट लेटर आ गया तो कैपिटल आ गया। अब राम का जो वर्ड इज आ गया, इस वर्ड के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर है, ए स्मॉल लेटर है, वो स्मॉल लेटर है। दिस का देख लो टिक को छोड़ करके एच आई एस जो है स्मॉल लेटर है, आई एस स्मॉल लेटर है, बुक स्मॉल लेटर है। इस प्रकार से छोटे अक्षर यानी इनका प्रयोग वाक्य के बीच में, बीच में, बीच में शब्द के अक्षरों के लिए होता है। जैसे राम इज ए बॉय, राम एक छोटा, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, एंड दिस इज ए बुक, ये एक पुस्तक है। इस प्रकार से हम लैंग्वेज एंड ग्रामर में लैंग्वेज की परिभाषा, ग्रामर की परिभाषा और ग्रामर किन किन शब्दों से मिलकर बनती है। फिर हमने लेटर का थोड़ा सा रूप पढ़ा है, लेटर का आगे का रूप और है वो और पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूँ, उसके बाद में हम चलो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण, ये हमारा टॉपिक था आज का, लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा या लैंग्वेज की परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, किसी चीज़ के किसी कार्य को निश्चित तरीके से करने के जो नियम्स होते हैं वो उसकी परिभाषा बनती है। पर यानी पहले और भाषा यानी उसको भाषित करना, डिफाइन करना, बताना कि कैसे करना। तो जो कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से भाषा बनती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा बनती है। ग्रामर, व्याकरण, व्याकरण वह कला होती है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है, जिसका यूज करके हम किसी भाषा को पढ़ने लग जाएं, लिखने में समर्थ हो जाएं, समझने में समर्थ हो जाएं, सिखा दे। भाषा की व्याकरण, किसी भी भाषा की व्याकरण यदि हमें पढ़नी होती है तो उसके लिए लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस की जानकारी जो होती है, यानी शब्दों की, अक्षरों की, वर्णों की, वाक्यों की जानकारी जो है बेहद आवश्यक होती है। फिर हम ग्रामर के तीन भेद की बात करते हैं, जिसमें आपका लेटर आ गया, वर्ड आ गया और सेंटेंस, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेटर, वर्ड की बात। स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई होती है। अंग्रेजी भाषा में लेटर्स का अर्थ यह होता है वर्ण से, अक्षर से। लेटर कहो, वर्ण कहो या अक्षर कहो, मीनिंग एक ही होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में या वर्णमाला में 26 अक्षर 26 लेटर्स होते हैं। अब अक्षरों को लिखने के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर। इनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे ही इज माई फादर में पहला अक्षर ही है, शब्द है, उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखा गया है। सी इज इन द रूम, सी का जो वर्ड है उसका पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा गया है। स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर, इनका प्रयोग वाक्य के बीच में, कहाँ बीच में, शब्द के अक्षरों के बीच के जो शब्द होते हैं उनके जो अक्षर होते हैं उनके लिए होता है और वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। राम तो ए एम छोटा आ गया, ई छोटा आ गया, ए छोटा आ रहा, बो छोटा आ रहा, सब सारे छोटे लिखे, स्टीक को छोड़ करके सारे छोटे लिखे हुए जो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखे। इस प्रकार से आज का आपका ये जो टॉपिक है लैंग्वेज एंड ग्रामर का वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप लोग इसको राइट करेंगे नोटबुक में अच्छे से, यही आज का आपका होमवर्क है। फिर मैं कल इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।